हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और आज हम फिर लेके आए हैं जियोग्राफी यानी भूगोल के 15 बेस्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं ये कैसे क्वेश्चन है, इनको किस तरह से हमको अटेम्प्ट करना है। बहुत अच्छे आज के क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन आपके महाद्वीप से बहुत संबंधित है और आपके क्या है, आपके आयन मंडल और आपका जो आपका क्या होता है वायुमंडल, उससे रिलेटेड है। तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आएगा और क्वेश्चन का जो लेवल है वो आप लोगों को पता लगेगा क्वेश्चन करते हुए। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो एक महाद्वीप है जिसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी बोला जाता है। प्रायद्वीपीय महाद्वीप क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपका एक महाद्वीप है, उसके इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है और इस तरफ भी पानी है और इस तरफ कोई आपका क्या है, एक द्वीप है यानी महाद्वीप है। तो तीन तरफ जिसके पानी होता है वो आपका क्या होता है, जिसके तीन तरफ आपका पानी होता है वो आपका क्या होता है, प्रायद्वीप होता है उसी। और वो ऐसा कौन सा स्थान है, कौन सा आपका महाद्वीप है, वो आपका क्या है, यूरोप है। इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा, बी होगा। और देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है, बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा महाद्वीप है जिसे महाद्वीपों का भी महाद्वीप कहा जाता है? तो अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन है वो आपका क्या है, एशिया है, क्योंकि एशिया सबसे बड़ा आपका क्या है, महाद्वीप है, इसीलिए इसको महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? द्वीपीय महाद्वीप क्या होता है, जिस महाद्वीप के चारों ओर पानी हो, मान लिया कि ये एक महाद्वीप है, इसके चारों तरफ वाटर ही वाटर है, तो ये आपका जो है ये आपका क्या बोला जाएगा, द्वीपीय महाद्वीप बोला जाएगा। और ऐसा आपका महाद्वीप केवल एक ही महाद्वीप है और वो आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इसका सही ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है दोस्तों, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें सही ऑप्शन आपका क्या है, वो आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि बिल्कुल सही जवाब आपका क्या है, डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्य होती है, प्रति चक्रवात की जो आकृति होती है वो सामान्यता कैसी होती है? तो ये आपकी गोलाकार होती है, अंडाकार त्रिभुजाकार नहीं होती है। इसका सही ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही जवाब आपका ए है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोएस का पठार है, तो लोएस का पठार आपका पवनकृत है, जलकृत है, नदीकृत है, ये किसके द्वारा आपका क्या है, कृत है यानी बना हुआ है? तो इसका सही जवाब आपका क्या है, पवनकृत, ये आपका क्या है, पठार है, लोएस का पठार। तो इसका सही ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? इसका आपको सही आंसर बताना है कि कितने प्रतिशत ऐसी जनसंख्या है जो मैदानों में रहती है। तो सबसे ज्यादा तो लोग मैदानों में ही रहते हैं, तो ये आपका क्या है, 90% यहाँ पे लोग क्या है, मैदानों में निवास करते हैं, बाकी 10% पर्वत हुआ या फिर आपके कहीं पठार हुए, ऐसी जगहों पे रहते हैं। और जिस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पर्वत है आपका क्या है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है, तो ये कहाँ है? अब इसके नाम से मुझे कुछ लग रहा है ये कहाँ पे हो सकता है, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, नामीबिया, ये आपका कहाँ है, ड्रेकेंसबर्ग जो आपका पर्वत है वो आपका मुझे लग रहा है आपका दक्षिण अफ्रीका में है। इसका आंसर चेक करता हूँ, थोड़ा डाउट है, देखता हूँ क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, कोई डाउट की बात नहीं है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में लोएस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? लोएस के मैदान यानी कि पवन निर्मित मैदान आपके नहीं पाए जाते हैं, तो यूक्रेन में, न्यूजीलैंड में, कंबोडिया में। इसका आपका सही ऑप्शन क्या है, कंबोडिया में आपके लोएस के मैदान नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है?
स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर पठार है? पठार आपका कितने प्रतिशत भाग पे है? तो ये आपका क्या है, 33% भाग पे आपका क्या है, पठार आपको देखने को मिलेगा। 33% हिस्सा जो हमारी पृथ्वी का है, स्थल मंडल का है, वो आपका पठार घेरे हुए हैं। इसका सही ऑप्शन आपका बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो आपका सोम मंडल में, या फिर समता मंडल में, या फिर क्षोभ मंडल में, या फिर ओजोन मंडल में। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, क्षोभ मंडल। अब आप लोग देख रहे होंगे क्षोभ मंडल तो ऊपर भी लिखा है, वो आपका क्षोभ मंडल नहीं है, वो आपका क्षोभ मंडल है। आप सही से देखिए, बिल्कुल आपका राइट जवाब जो है इसका सी है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन, यानी कि जो दैनिक मौसम परिवर्तन की जो घटनाएं होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, किसके कारण होती हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन आपका क्या है, ये भी आपका वही आंसर है, क्षोभ मंडल, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा गया है? तो ऐसा तो एक ही चीज है दोस्तों, पामीर का पठार है, इसको आपकी क्या है, विश्व की छत बोला जाता है। ये मुझे लगता है कि शायद चीन में स्थित है, पामीर का पठार आपका चीन में है, इसको विश्व की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो बताना है आप लोगों को कि पठारी क्षेत्र में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता होगा। तो पठारी क्षेत्रों में जो पाया नहीं जाता है वो आपका खनिज तेल नहीं पाया जाता है, बाकी आपका मैग्नीज हुआ, कोयला हुआ, ये सारी चीजें आपकी मिलती हैं, लेकिन खनिज तेल यहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो बताना है आप लोगों को कि इनमें से यूरोप की कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ये तो आपके हिमालय, आपकी भारत, आपकी नेपाल, और आपकी क्या बोलते हैं, आपकी थोड़ा बहुत उसमें भी पड़ती है, किस में बोलते हैं, नेपाल में तो पड़ती है। और ये आपकी क्या है, शायद शायद मैं क्या भूल रहा हूँ थोड़ा सा, भोपाल में भी इसका क्या है, थोड़ा बहुत हिस्सा लगता है। राकी पर्वत आपका अमेरिका का है, तो यूरोप का आपका एक ही पर्वत बचता है, और वो आपका क्या है, आल्पस पर्वत आपका बचता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए आपका है, बिल्कुल राइट जवाब है आप लोगों का, आल्पस ए। तो कैसे लगे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग ऐसी क्लास का आनंद ले पाएं, एंजॉयमेंट कर पाएं और अपने नॉलेज को बढ़ा पाएं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें और लगातार हमारे साथ बने रहें, बहुत अच्छी अच्छी क्लासें लाने वाला हूं मैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।